हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ हाई स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज जो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन जीवनल मेंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई है यानी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसे बी से डिनोट किया जाता है और ये होती है अपने पास फाई अपॉन ए। ठीक है, क्लियर। इसकी जो अपने पास यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ठीक है, और यहाँ फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और जो अपने पास एरिया है उसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है अपने पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा टेस्ला। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो हेनरी है वो अपने पास इंडक्टेंस की यूनिट होती है, और फैराड जो अपने पास यूनिट होती है वो कैपेसिटेंस की होती है, वेबर जो है अपने पास वो चुंबकीय फ्लक्स की होती है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। क्लियर चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चालकत्व की इकाई है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस जो है इसको डिनोट किया जाता है जी से, और ये होता है 1/R। ठीक है, अगर इसकी यूनिट निकाले तो वो होगी 1/ohm, यानी कि इसे बोल सकते हैं ohm इनवर्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ohm इनवर्स। तो यहाँ जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोह, या फिर अपने पास क्या है कि 1 mho इक्वल्स टू होता है साइमन, 1 साइमन। ठीक है, 1 साइमन। ठीक है, तो यूनिट जो हो जाएगी अपने पास मोह भी हो सकती है, साइमन भी हो सकती है, ohm इनवर्स। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो अपने पास हो जाएगा सी, साइमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तापमान बढ़ता है तब कॉपर का प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिएगा जो कॉपर है अपने पास उसका जो अपने पास टेम्परेचर कॉफिशियंट है वो अपने पास पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ अपने पास फॉर्मूला लिखना चाहे RT इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T। ठीक है, क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अपने पास ये वैल्यू है जो अपने पास ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज होगी तो अपने पास इसके साथ जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, तो RT भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या जाएगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध प्रतिरोधी धारा का शक्ति गुणक क्या होता है, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देखिए अपने पास रेजिस्टेंस जो होता है अपने पास, अगर कॉस वाई को डिनोट किया जाता है, कॉस वाई होता है अपने पास आर बाई जेड। ठीक है, या फिर कॉस वाई को जो डिनोट किया जा सकता है वो अपने पास जो वोल्टेज और करंट है इसके बीच के फेज एंगल से डिनोट किया जा सकता है, या फिर कॉस वाई को अदर अपने पास डिनोट किया जाती है होता है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, किलो वाट अपॉन केवीए का जो रेशियो, ये इस तरीके से हम पावर फैक्टर को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में क्या होता है अपने पास कि जो करंट और वोल्टेज है, ठीक है मैं फेजर बनाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अपने पास क्या होगा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट जो है दोनों अपने पास क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यानी कि जो फेज एंगल जो फाई है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए रेजिस्टेंस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा, यूनिटी। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें हम, ठीक है इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें, ठीक है तो वो देखिएगा इंडक्टर और कैपेसिटर में किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ अपने पास देखिएगा ये फेजर बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए अपने पास क्या है कि ये वेव फॉर्म अपने पास इंडक्टर की बना रहे हैं हम। ठीक है, ये इंडक्टर है, तो यहाँ इंडक्टर में अपने पास जो वोल्टेज है, ठीक है वोल्टेज अगर अपने पास यहाँ पर इंडक्टर में, ठीक है क्लियर चीज, तो करंट जो होगा अपने पास वो होगा वो 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, क्लियर चीज, 90 डिग्री पीछे होगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर चीज। अब 90 डिग्री अपने पास यहाँ से पीछे होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, 90 डिग्री पीछे होगा, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ बोलेंगे 0 डिग्री अपने पास पश्चगामी। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री पश्चगामी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, अगर अपने पास करंट आप यहाँ लोगे तो वोल्टेज आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में जो होगा वोल्टेज हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा। ठीक है, करंट अपने पास 90 डिग्री पीछे होगा। यहीं पर अगर हम बात करें कैपेसिटर की, किसकी बात करें, कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर में अपने पास जो होगा, ठीक है यहाँ अपने पास क्या होगा, अगर वोल्टेज की जो वोल्टेज यहाँ पर होगा तो करंट इससे अपने पास क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा, करंट यहाँ पर होगा।
वोल्टेज यहाँ पर होगा तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ भी अपने पास जो है कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, करंट अपने पास आ गए तो इसलिए समय क्या होगा, ये अग्रगामी होगा, क्या होगा, अग्रगामी होगा, ठीक है। तो वो तीनों के बारे में पूछे अपने पास, तो कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए अपने पास अगर ये आदर्श अवस्था में है तो इनके लिए जीरो होगा। बाकी प्रैक्टिकल के लिए पूछे इंडक्टर में तो आप पश्चगामी बताएंगे, और प्रैक्टिकल कैपेसिटर के लिए बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, अग्रगामी बताएंगे, ठीक है। क्लियर चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल मोटर बेहतर शक्ति गुणक सहित काम करती है, ठीक है। तो देखिएगा यूनिवर्सल मोटर, देखिए यूनिवर्सल मोटर जो है एसी सीरीज मोटर जो है, इसको एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है, और डीसी सीरीज मोटर का अपने पास ये सुधरा हुआ रूप है, किसका, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। इसको जो यूज किया जाता है अपने पास वो कहाँ यूज किया जाता है, देखो सिलाई मशीन में एंड सीविंग मशीन में यूज करते हैं, सिलाई मशीन, ठीक है, और वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, तो ये यूज किया जाता है अपने पास, इसके अलावा देखें तो इसका यूज किया जाता है वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो अपने पास जो है जो ड्रिल मशीन होती है उसमें भी अपने पास क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर। और इसके अलावा देखें तो खाद मिक्सर जो होता है अपने पास उसमें भी कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। रिपल्सन मोटर जो है अपने पास, यहाँ देखिएगा रिपल्सन मोटर में क्या होता है कि जो आर्मेचर है, ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, आर्मेचर, और यहाँ अपने पास होंगे कार्बन ब्रश। इन कार्बन ब्रश को इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, और पोजीशन इस तरीके से रखी जाती है कि यहाँ अपने पास क्या है कि अपोजिट पोल बने, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है जिसके कारण ये रोटेट करती है। इसका यूज़ किया जाता है फिलिंग स्टेशन पर, कहाँ यूज़ किया जाता है, फिलिंग स्टेशन पर इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इसका जो यूज़ किया जाता है अपने पास वो सीलिंग फैन में यूज़ किया जाता है, सीलिंग फैन में यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज। और जो है कैपेसिटर रन मोटर है जो अपने पास, ठीक है, ये अपने पास जेट पंप के साथ यूज होती है, किसके साथ, जेट पंप के साथ यूज होती है। अब देखिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में अपने पास क्या है कि यहाँ डबल कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो ये जो मोटर है अपने पास जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, इसका जो पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है, ठीक है। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छादित ध्रुव एकल मोटर में परिक्रमी यानी घुमाने वाले क्षेत्र द्वारा पैदा होता है। तो देखिएगा कि जो अपने पास सेडेड पोल मोटर है उसमें अपने पास फेज को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि फेज स्प्लिट करने के लिए जो यूज करते हैं वो अपने पास सेडेड रिंग का उपयोग करते हैं, सेडेड रिंग, जैसे अपन क्या बोलते हैं, छादित वले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छादित वले बोलते हैं। क्लियर चीज, ठीक है, छादित वाले बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये क्या करती है, फेज को दो भागों में डिवाइड कर देती है, फेज को स्प्लिट करवा देती है, जिसके कारण क्या है कि अपने पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अनसेडेड पोर्शन से सेडेड पोर्शन की ओर होती है, इसलिए ये मोटर जो है अपने पास अनसेडेड भाग से सेडेड भाग की ओर घूमती है। क्लियर चीज, ठीक है। और इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो अपने पास 35-40% होती है, सबसे कम जो अपने पास दक्षता होती है वो इसी मोटर की होती है, और ये अपने पास 1/200 HP तक मैन्युफैक्चर की जाती है। क्लियर चीज, तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेडेड रिंग। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एंड ऑफ द कॉइल वन इज कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ द कॉइल प्लेस एट द डिस्टेंस इक्वल टू वन पोल पिच, ठीक है। तो देखिए अगर वन पोल पिच का अपने पास डिफरेंस है तो ये अपने पास कौन सी वेव वाइंडिंग कहलाती है, कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग कहलाती है। और ये अगर अपने पास एडसेंट कॉइल होता है यानी कि पास वाली कॉइल के पास होता तो सिंपलेस लैप वाइंडिंग कहलाती, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या आएगा, सिंपल वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली बाय, ठीक है, इंडिया में जो अपने पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली अपने पास ओवरहेड सिस्टम यूज किया जाता है। क्लियर चीज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सी एस सी आर कंडक्टर लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ए सी एस सी आर कंडक्टर में होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ए सी एस सी आर कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो अपने पास पोर्शन है, अंदर वाला जो कंडक्टर है, ये अपने पास कंडक्टर बना होता है स्टील का, ठीक है, ये कंडक्टर बना होता है किसका, स्टील का बना होता है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, यानी कि अपने पास यांत्रिक मजबूती, ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। क्लियर चीज। इसके अलावा जो इसमें आउटर चालक होते हैं, ये अपने पास आउटर चालक हो गया,
ठीक है। ये आउटर चालक जो बने होते हैं ये अपने पास एल्यूमिनियम के बने होते हैं, किसके बने होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है, ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। और इन्हीं वायर को जो अपने पास बोल सकते हैं बंडल कंडक्टर भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिए ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, सभी कंडक्टर एल्यूमिनियम के बने नहीं होते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाहरी जो चालक है वो किसका बना होता है एल्यूमिनियम का, ये राइट हो जाएगा आपके पास। आंतरिक चालक एल्यूमिनियम का, ये गलत हो जाएगा। कोई चालक एल्यूमिनियम का नहीं बना होता, ये सभी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फ्यूज इन ए सर्किट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है। देखिए फ्यूज जो है अपने पास, पहली बात तो फ्यूज से रिलेटेड अपने पास कुछ पॉइंट आप रख लीजिएगा, ठीक है। फ्यूज जो हमेशा किस में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में जोड़ा जाता है, लाइव वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, जीवित तार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवित तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। और जो फ्यूज है हमेशा अपने पास क्या होगा कि इसमें जो अपने पास जो फ्यूज एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, इसकी उच्च चालकता होनी चाहिए, उच्च चालकता होनी चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, और निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और देखिएगा 10 एम्पियर से कम के जो फ्यूज हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं लेड और टिन के, किसके बनाए जाते हैं, लेड और टिन के बनाए जाते हैं, जिसमें जो परसेंटेज यूज होता है अपने पास वो लेड जो होता है 40% यूज होता है, टिन जो होता है वो 60%। इसका रेशियो को कभी कभी चेंज भी किया जा सकता है, 37% या 63% दिया होता है कभी कभी, ठीक है, क्लियर चीज। और ये जो प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन आपको, वो अपने पास किससे, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास सी होगा, ठीक है, क्लियर चीज। और देखिएगा जो फ्यूज है अपने पास, सामान्यता जो फ्यूज है अपने पास, फ्यूज को भी कैटेगराइज किया जाता है। नॉर्मल जो फ्यूज है, नॉर्मल फ्यूज का जो अपने पास फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो 1.4 से 1.7 के बीच में होता है, ठीक है। और यदि HRC फ्यूज का अगर फ्यूजिंग फैक्टर पूछे तो वो 1.1 होता है। और ये पूछे कि डिले फ्यूज अपने पास किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, तो ये अपने पास मोटर और ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और ठीक है, इसकी वजह से अपने पास क्या होता है कि ये पहले से ही अपने पास डिले डाला जाता है, अदरवाइज अपने पास वो ट्रिप हो जाता है, यानी फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्विच को फर्श तल से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, ठीक है। आई रूल के अकॉर्डिंग अपने पास जो लगाया जाता है 1.3 मीटर लगाया जाता है, ठीक है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो अपने पास क्या मानते हैं, ठीक है, राइट आंसर जो माना जाता है 1.5 मीटर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कार्यस्थल पर जहाँ बारीकी से काम किया जाता हो वहाँ अपेक्षित प्रगति अपने पास क्रम में होगी, ठीक है। तो देखिएगा जहाँ फाइन वर्क होता है वहाँ अपने पास जो लूमेंस रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है 1500 लूमेन पर मीटर, ठीक है। और यदि आपसे ऑपरेशन थिएटर पर बात की जाए तो वहाँ अपने पास 3000 लूमेन अपने पास रिक्वायर्ड होता है। और यदि स्विंग मशीन की बात करें अपने पास, तो वहाँ 400 लूमेन अपने पास रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यदि अपने पास स्टडी टेबल के लिए रिक्वायर्ड होता है तो वो भी अपने पास 400 लूमेन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, क्लियर। सबसे कम जो अपने पास लूमेन रिक्वायर्ड होता है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन अपने पास लूमेन से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन ए मर्करी वेपर लैंप ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। यानी कि अपने पास जो मर्करी वेपर लैंप है उसके सहायक इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस इज कनेक्टेड, तो उसका महत्व क्या होता है जो इसे अपने पास जोड़े जाने का कारण क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है टू लिमिट द पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर लिमिट करने के लिए अपने पास क्या यूज किया जाता है, ठीक है। अगर पावर फैक्टर को लिमिट करना है तो अपने पास या तो चौक यूज करेंगे या फिर अपने पास कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, राइट आंसर जो होगा अपने पास वो बी होगा, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी इज असेंशियल। तो देखिएगा डीसी अपने पास जो असेंशियल होता है वो ट्रैक्शन सिस्टम में असेंशियल होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, ए होगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रिपेयर द स्टोरेज टाइप वाटर हीटर विच हैव स्टीम इन ए हॉट वाटर, द पॉसिबल रेमेडी फॉर द ट्रूबल कैन फाउंड बाई चेकिंग। तो देखिए आपको बोला है कि अगर आपको एक संग्राही जल तापक जिसमें गर्म पानी की भाप है उसे ठीक करना है, तो इसे ठीक करने के लिए दोष के लिए जांच करने का दोष का पता लगाया जा सकता है। देखिएगा अगर कभी भी अपने पास कोई भी अपने पास हीटिंग एलिमेंट हो, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट हो, तो अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता है यानी कोई भी दोष उत्पन्न होता है तो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, ताप स्थाई को चेक करेंगे। ताप स्थाई दैट मीन्स अपने पास थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो यहाँ जो राइट स्टार्ट होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा द थर्मोस्टेट सेटिंग। तो बी अपने पास जो होगा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिपथ के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाश युग्मक का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रकाशीय युग्मक का एक पैकेज है, यानी कि ऑप्टो कपलर के बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्टो कपलर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो सिंबल होता है उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले ऑप्टो कपलर हम बना लेते हैं। देखिए ये अपने पास क्या होगी, एलईडी होगी, ठीक है। ठीक है, दूसरी साइड जो होगा अपने पास क्या होगा, फोटोडायोड होगा, ठीक है। दूसरी साइड जो होगा अपने पास वो क्या होगा, फोटोडायोड होगा। क्लियर चीज, ये फोटोडायोड है, ठीक है। ठीक है, ये जो सर्किट अपने पास यहाँ इनकमिंग है, इनकमिंग सर्किट है, यहाँ इनपुट मिलेगा, और ये जो अपने पास सर्किट है ये अपने पास आउटपुट सर्किट है, ठीक है। तो पहली बात तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ अपने पास जो है ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि ऑप्टो कपलर जो यूज़ किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिक आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। ऑप्टो कपलर क्या प्रोवाइड कराता है, आइसोलेशन। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जो है अपने पास एलईडी होती है और ये अपने पास फोटोडायोड होता है, फोटोडायोड होता है। तो यानी कि कंबाइन पैकेज होता है जो अपने पास यूज़ किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन के लिए, जहां आपको इनपुट और आउटपुट को आइसोलेटेड रखना होता है वहां यूज़ करता है। तो यहां पूछा है कि ऑप्टो कपलर है क्या, तो ये कॉम्बिनेशन होगा एलईडी और प्रकाश डायोड का, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the type of insulator used for the holding the HT overhead conductor on a straight running pole? ठीक है, आप देखिएगा अपने पास यहाँ जो पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि मान लो कि अपने पास HT लाइन है, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास पोल हो गया, एक पोल ये हो गया, ठीक है, सेकेंड पोल अपने पास ये हो गया, ठीक है, सेकेंड पोल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इन्हें अपने पास क्या है कि जो लाइन जो ट्रांसमिट हो रही है वो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, किस टाइप की है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ ये पोल है, ये भी अपने पास स्ट्रेट है, ठीक है। क्लियर चीज, तो यहाँ जो इंसुलेटर लगे होंगे उसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ जो इंसुलेटर अपन लगाएंगे वो कौन से इंसुलेटर होंगे। ये अपने पास क्या हो गया, इंसुलेटर लगा देते हैं, ये इंसुलेटर, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। जो लाइन अपने पास जा रही है वो अपने पास लाइन ये मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो ये इंसुलेटर जो यूज़ कर रहे हैं, जो किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, तो ये होंगे बेटा पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर होंगे। अब पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है 11 kV वाला भी आता है और 33 kV भी वाला आता है, ठीक है। मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो 33 kV वाले यूज़ करते हैं HT के लिए। क्लियर चीज, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास होगा पिन टाइप इंसुलेटर, तो बी अपने पास राइट आंसर होगा। देखिए पोस्ट इंसुलेटर जो यूज़ होता है वो स्विचिंग डिवाइसेस के साथ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, स्विचिंग डिवाइस के साथ। और स्टे इंसुलेटर जो होता है अपने पास जो लाइन का जो अंतिम फंदा है, ठीक है, यहाँ अपने पास इसे बैलेंस करने के लिए इसके साथ जो ये इंसुलेटर यूज़ किया जाता है वो स्टे इंसुलेटर होता है, ठीक है। क्लियर, सेकल इंसुलेटर जो होता है अपने पास इस टाइप का इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये अपने पास नॉर्मली कहाँ यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली अपने पास क्या क्रॉस आर्म के साथ क्लैंप किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ जो क्वेश्चन था अपने पास वो राइट आंसर उसका क्या होगा, पिन इंसुलेटर, जिसे केली प्रकार का विद्युत रोधक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रिकल मशीन लेमिनेटेड कोर आर यूज विथ ए व्यू टू रिड्यूस, ठीक है। देखिए कि अपने पास जो एडी करंट लॉसेस होता है पी इक्वल्स टू के ई बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एस्टीमेज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, एस्टीमेज कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ जो लेमिनेशन यूज करेंगे वो अपने पास थिन लेमिनेशन यूज करेंगे, कौन सा लेमिनेशन, थिन, थिन का मतलब कौन सा होगा, पतला होगा, कौन सा होगा, पतला लेमिनेशन, क्योंकि अगर लेमिनेशन गाढ़ा हुआ तो अपने पास लॉसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि लेमिनेशन से क्या होता है कि जो इफेक्टिव एरिया है अपने पास, ये रो हो गया, इफेक्टिव एरिया है वो अपने पास 10% रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो एडी करंट लॉसेस होंगे वो वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इंक्रीज होगा तो एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो लेमिनेशन से कौन से जो जो एरर है वो रिड्यूस होते हैं, वो अपने पास रिड्यूस होते हैं कौन से, कॉपर है, सॉरी एडी करंट लॉसेस। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस हो जाएगा। क्लियर चीज, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग
एक मिनट रुकेगा। इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड बी प्रोटेक्ट हिज आई बाई यूजिंग, ठीक है, यानी कि आर्क वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो उस समय क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास कोई भी स्टूडेंट है, ये अपने पास आर्क वेल्डिंग कर रहा है, तो ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, वेल्डिंग होता है, ये अपने पास वेल्डिंग टॉर्च होती है, ठीक है। यहाँ अपने पास जो यूज़ होती है, अगर ये एसी वेल्डिंग है तो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 80 से 90 वोल्ट होगा, ठीक है। और यदि डीसी वेल्डिंग है तो अपने पास ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 60 वोल्ट, ठीक है, कितना होगा 60 वोल्ट होगा, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ अपने पास अगर आर्क वेल्डिंग है तो अपने पास क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक आपको डार्क ग्लास स्क्रीन का चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 60 वाट और 40 वाट के लैंपों को वोल्टेज का निर्धारण समान होता है, तो 40 वाट के लैंप के प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो पूछा गया है कि भाई अपने पास ये 60 वाट का लैंप है, ठीक है, दूसरा अपने पास कितने का है 40 वाट का लैंप है, ठीक है। दोनों में अपने पास अगर वोल्टेज दोनों का सेम है तो पावर जब हम निकालेंगे तो पावर होता है V² / R, और यहीं से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो R = क्या होगा, V² / P होगा। अब देखिए पी की वैल्यू अगर कम होगी, पी की वैल्यू कम होगी तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखिएगा जो 40 वाट का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि आर जो 60 होगा और आर जो 40 होगा, तो 40 वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, और 60 वाला अपने पास कम होगा, क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, आर 40 का रेजिस्टेंस तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 60 वाट लैंप से कम होगा तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, 60 वाट लैंप के समान होगा ये भी गलत हो जाएगा, 60 वाट लैंप से ज़्यादा होगा तो सी अपने पास राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ फायर बोथ फॉर्म एंड ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज, ठीक है। तो देखिएगा फॉर्म और अपने पास ये पूछ रहा है कि ड्राई टाइप का पाउडर वाला जो अपने पास अग्निशामक यंत्र है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो अपने पास वर्ग बी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए ब्रीथर यूज इन ए ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो देखिएगा ब्रीथर जो है, ब्रीथर को क्या बोला जाता है, श्वसक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदी में श्वसक बोला जाता है। तो ये अपने पास क्या यूज़ किया जाता है कि देखिए जब अपने पास क्या है कि ट्रांसमीटर जो अपने ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है अपने पास, इसमें अपने पास जब करंट हाई होगा अपने पास जब वाइंडिंग को अपने पास क्या होगा करंट हाई होगा तो हीटिंग ज़्यादा होती है, तो यहाँ एक्सपेंशन होता है, जैसे करंट जीरो होता है तो यहाँ सेचुरेशन होता है। उस समय अपने पास क्या है कि ब्रीथ करता है ट्रांसफॉर्मर, अपने पास हवा लेता है, तो हवा अपने पास जो है इसके बीच में जो ब्रीथर में जो लगा होता है वो सिलिका जेल लगा होता है। सिलिका जेल क्या करता है, जो यहाँ से एयर आती है उस एयर में से अपने पास क्या कर लेता है, मॉइस्चर जो है मॉइस्चर को अपने पास सोख लेता है, और फिर अपने पास ड्राई एयर है कहाँ पहुँचा देता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सूखी हवा की आपूर्ति के लिए, टू सप्लाई द ड्राई एयर, ठीक है। अब देखिए सिलिका जेल अपने पास शुष्क अवस्था में होता है नीला, शुष्क अवस्था में इसका जो रंग होता है नीला होता है, और नमी सोखने के पश्चात इसका रंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, क्लियर चीज, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेड एसिड बैटरी शुड नॉट बी लेफ्ट इन अ डिस्चार्ज स्टेट फॉर द लॉन्ग अदरवाइज, यानी सीसा अम्ल बैटरी को विसर्जित अवस्था में ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए वरना क्या होगा। अब देखिए लेड एसिड बैटरी जो है, यहाँ अपने पास पहले इसकी बात कर लेते हैं, डिस्चार्ज चार्ज, ठीक है, और हाफ चार्ज की बात कर लेते हैं। अब देखिए डिस्चार्ज अवस्था में अपने पास इसका जो वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, चार्ज अवस्था में जो अपने पास वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाफ चार्ज में अपने पास ये वोल्टेज होता है 2 वोल्ट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर अपने पास इसमें डेंसिटी पूछे, अपेक्षित घनत्व की बात करें, तो ये डिस्चार्ज अवस्था में होता है 1.18, ठीक है, और चार्ज अवस्था में होता है अपने पास 1.25, ठीक है, और जो अपने पास हाफ चार्ज अवस्था में होता है 1.20, क्लियर है। तो ये अपने पास यहाँ से कंडीशन पूछ ली जाती है। अब देखिए इसमें जो दोष होते हैं, एक तो होता है सल्फेशन दोष, कौन सा होता है, सल्फेशन दोष होता है। अब इस सल्फेशन दोष क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर अपने पास लेड एसिड बैटरी को बहुत लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता तो अपने पास बैटरी की जो प्लेटें हैं उस पर क्या जम जाता है, लिथार जम जाता है, जिसकी प्लेटें जो होते हैं कठोर और सख्त हो जाती हैं, ठीक है। इसी दोष अगर अपने पास बैटरी को यूज नहीं करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, फेज विल बी अपने पास सल्फेट, जो अपने पास प्लेट है वो क्या हो जाएंगे, सल्फेटेड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर बैटरी को अपने पास अगर आप चार्ज कर रहे हैं, अपने पास आवश्यकता से अधिक दर पर आवेशित कर रहे हैं और डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा जो दोष होगा वो कौन सा होगा, बकलिंग दोष होगा, ठीक है। इसको दूर करने के लिए अपने पास प्लेटों के बीच में अपने पास छोटी छोटी लकड़ी के जो है अपने पास क्या है, गुटके का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है, इसके टर्मिनल पर अपने पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है, कोरोजन होने लग जाता है, गलने लग जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोलियम जेली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बैटरी से कुछ दोस्त से रिलेटेड पॉइंट थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइका, माइका होता है, देखिए माइका जो है अपने पास क्या है कि ये अपने पास इंसुलेटर होता है, और इसका जो यूज़ होता है नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको कि जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ये अपने पास हार्ड रोम कॉपर के बने होते हैं, तो इसके बीच में जो अपने पास इंसुलेटिंग पदार्थ पर आ जाता है ये वाला, ये कौन सा होता है? माइका होता है। कौन सा होता है? माइका। अदर यूज़ जो अपने पास होता है इसका, अपने पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है यानी कि विद्युत स्त्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्लेट के अपने पास प्लेट के साथ होता है यानी फीते के साथ माइका का उपयोग किया जाता है। यह जो राइट आंसर होगा वो अपने पास बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर साइनसोइडल वेवफॉर्म फॉर्म फैक्टर, तो देखिएगा यहाँ जयावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर की बात की गई है। तो जयावक्रीय तरंग अपने पास इस टाइप की होती है, और फॉर्म फैक्टर जो है ये रहा अपने पास फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो अपने पास रेशियो होता है किसका, एक तो अपने पास होता है आरएमएस मान यानी कि आरएमएस वैल्यू, और एक होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है, इनका रेशियो होता है यानी कि आरएमएस मान और औसत मान का। अब आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है अपने पास वीएम बाय रूट टू, ठीक है, और आरएमएस जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है टू वीएम बाय पाई, ठीक है। तो वीएम से वीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन टू रूट टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.11 आता है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो राइट आंसर होगा अपने पास क्या, 1.11, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर आपसे पूछा जाता वर्गाकार तरंग के लिए, किसके लिए पूछा जाता? वर्गाकार तरंग के लिए, ठीक है। वर्गाकार तरंग के लिए अगर पूछा जाता, वर्गाकार तरंग के लिए अगर फॉर्म फैक्टर, तो वो वैल्यू हो जाती 1, क्योंकि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास जो स्क्वायर वेव होती है उसके लिए दोनों सेम होती हैं। नेक्स्ट अगर अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा जाता तो वो अपने पास होता 1.57, और यदि फुल वेव के लिए पूछा जाता तो वो क्या हो जाता 1.11 हो जाता, ठीक है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास उसके बारे में बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर और वोल्टेज पे, तो यहाँ दोनों अपने पास अप्लाइड वोल्टेज एंड ओमिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फिर वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये अपने पास 1.1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन अल्टरनेटर डज कंटेन वन ऑफ द डज नॉट कंटेन, यानी कि कौन सा अपने पास अल्टरनेटर में भाग नहीं होता, तो कम्यूटेटर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I5 धारा का मान जो मूल्य है यानी कि अपने पास जो I5 करंट है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जो है अपने पास इक्वल होने चाहिए। अब जाने वाली करंट कौन कौन सी, एक तो 3 एम्पियर है तो 3 लिख दिया मैंने, एक जा कौन सी रही है 2 एम्पियर तो 2 लिख दिया, प्लस एक कितना जा रहा है अपने पास 1 जा रहा है, ठीक है, और एक अपने पास कितना जा रहा है 5 जा रहा है, ठीक है, या कितना जा रहा है ID इक्वल्स टू 5 जा रहा है, ठीक है, ये 5 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ अपने पास कितना आ गया I5 दे रखा है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, इन सब को ऐड कर देते हैं, तो ये अपने पास कितना आ गया 5, और 5 10 गया, आ गया 11 प्लस I5, ठीक है, तो यहाँ I5 की वैल्यू आ जाएगी -11, ठीक है, -11 एम्पियर। ऑप्शन नहीं दे रखे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा -11 एम्पियर, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दी आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल 80 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल। अब देखिए यहाँ जो अपने पास पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, वेव फॉर्म है, ये अपने पास पहले वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो ये वैल्यू दे रखी है, ये आपको 80 वोल्ट दे रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पीक टू पीक। तो पहले आप क्या निकालेंगे, वीएम, इसका जो वीएम निकालेंगे तो वीएम वैल्यू अपने पास ये होगी वीएम, ठीक है, तो वीएम अपने पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आपको पता है आरएमएस कैसे निकालते हैं, वीएम अपॉन रूट टू से निकालते हैं, तो वीएम अपने पास कितना है 40, ये अपने पास रूट टू आरएमएस आ जाएगा, ठीक है, 40 अपॉन रूट टू, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी, ठीक है। अब देखिए अगर अपने पास क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कोफिशियंट ये अपने पास पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, या राइट आंसर आ जाएगा इंक्रीज होगा, ठीक है, ये अपने पास गलत है, ठीक है, बी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू प्रोवाइड, ठीक है, देखिए पोटेंशियोमीटर जो यूज़ किया जाता है वो अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्या कराता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। बाकी पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ होता है अपने पास, कि अननोन जो है ईएमएफ, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना हो, ठीक है, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है, और ये भी अपने पास जो होगा लो रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरएलसी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ ना तो सीरीज लिखा हुआ है और ना पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ, सीरीज की बात करेंगे तो अपने पास क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है,
क्लेशेस, और दोनों अपने पास करंट और वोल्टेज हैं, वो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और करंट और वोल्टेज क्या होंगे, सेम फेज में। तो इस क्वेश्चन का जो अपने पास राइट आंसर है वो अपने पास क्या होगा, सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप सीरीज कर लीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग द ऑरेंज रेड ब्राउन एंड गोल्डन कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको दे रखा है कि एक कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास एक कार्बन रजिस्टर है, तो ये मैं कार्बन रजिस्टर बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो कलर दे रखा है आपके पास, वो कलर दे रखा है, पहला दे रखा है ऑरेंज दे रखा है, पहला आपके पास ऑरेंज दे रखा है, ये अपने पास मान लिया, सेकंड वाला रेड दे रखा है, और इसके अलावा पहला आपको ऑरेंज दे रखा है तो ये अपने पास ऑरेंज ले लिया, ठीक है। दूसरा वाला आपको रेड दे रखा है तो ये रेड ले लिया, ठीक है, क्लियर। तीसरा आपको दे रखा है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन अपने पास है नहीं तो ये वाला ले लेते हैं, इसको ब्राउन मान लेते हैं, ठीक है, ये ब्राउन है, ठीक है। लास्ट वाला दे रखा है गोल्डन कलर, ठीक है, तो गोल्डन कलर अपने पास है नहीं तो इसको अपने पास गोल्डन मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला गोल्डन मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ अपने पास क्या करना है आपको, अब देखिए रेड का जो अपने ये जो अपने पास ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर कोड होता है 3, ठीक है, रेड का जो कलर कोड होता है वो अपने पास 2 होता है, ठीक है, और ब्राउन का जो कलर कोड होता है 1 होता है, और यहाँ अपने पास इसके लिए जो टॉलरेंस होती है वो ±5% होती है, ठीक है। तो ये पहला अंक दर्शाता है तो इसको 3 लिख दिया, ये दूसरा अंक दर्शाता है इसको मैंने 2 लिख दिया, ये अपने पास मल्टीप्लायर को दर्शाता है इसलिए 10^1 हो जाएगा, ये ±5%, ठीक है, ये हो जाएगा 320 ±5%, तो ये आपका राइट आंसर होगा, तो सी जो होगा अपने पास वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज टू बल्ब, ठीक है, बल्ब के लिए अपने पास देखिए, बल्ब का जो अपने पास फिलामेंट है वो किस किस का बनता है, फिलामेंट जो बनता है वो अपने पास कार्बन का बनता है, ठीक है, इसके अलावा टेंटुलम का बनता है, टेंटुलम का बनता है, ठीक है, और इसके अलावा जो अपने पास है टंगस्टन का बनता है, ठीक है, और मैं जो मोस्टली अपने पास यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक ज़्यादा होता है, वो होता है 3400°C होता है, क्लियर चीज। तो राइट आंसर अपने पास यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टेड इनटू द हीट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू एन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि जब प्रतिवर्ती धारा ओमिक प्रतिरोध से बहता है तो विद्युत शक्ति ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है, तो उस पावर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई ट्रू पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग स्प्लिट रिंग, तो देखिए स्प्लिट रिंग जो बनी होती है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनती है और कॉपर की बनती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ फॉस्फोर ब्रॉन्ज ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए प्रैक्टिकल मेथड टू इंप्रूव द लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, तो देखिएगा अगर अपने पास क्या है फ्लोरोसेंट लैंप का अगर पावर फैक्टर आपको यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द लैंप, ठीक है, गलत, परिपथ में संधारित संयोजित करना चाहिए, कनेक्ट ए कैपेसिटर अक्रॉस इट, ठीक है, तो सीरीज में नहीं जोड़ेंगे अपने पास पैरेलल में जोड़ते हैं। और नेक्स्ट दे रखा है इंडक्टर अक्रॉस द लैंप सर्किट, ठीक, कनेक्ट एन इंडक्टर अक्रॉस द लैंप सर्किट, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर ए सॉलिड कंडक्टर, देखिए सॉलिड कंडक्टर अपने पास इसमें एक ही वायर होता है, ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर होगा, इसमें अपने पास एक ही वायर होगा, ये सॉलिड कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसमें एक ही वायर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने पास क्या स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर में अपने पास बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा कंडक्टर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है अपने पास सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर में, इसमें अपने पास क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, तो राइट आंसर होगा मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ टूटने का डर होता है, क्योंकि एक ही कंडक्टर होता है, यहाँ अपने पास क्या है कि लचीलापन बढ़ने के कारण टूटने का डर नहीं होता, इसलिए जो हम मोस्टली यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 kW 250 V चार तापक उपलब्ध है, अधिकतम ऊष्मा के लेने कोटेड है, किसमें जोड़ा जाएगा, देखिएगा पैरेलल में जोड़ते हैं तो पावर एडिटिव हो जाती है, 1+1+1+1 ये कितना हो जाएगी 4, और यदि अपने पास इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 1/4, तो मैक्सिमम पावर चाहिए तो इसे किसमें जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में, तो ऑल इन पैरेलल, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
सामान्यतः धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती है, इनमें से कौन सी चालकता की दृष्टि से सबसे अच्छा चालक है? देखिएगा सबसे जो अधिक चालकता होती है वो होती है सिल्वर की, किसकी होती है सिल्वर की। इसके बाद देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तांबा आएगा, इसके बाद अपने पास एल्युमिनियम, इसके बाद आएगा पीतल। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा अपने पास वो आएगा सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। देखिए पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 98% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी रिलेटेड एक बात और कर लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो अपने पास कितनी होती है, 70% होती है। पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता अपने पास 95 से 98% तक होती है। ठीक है, ये अपने पास फुल लोड पर होती है, किस पर होती है, फुल लोड पर होती है। और ये अपने पास किस पर होती है, हाफ लोड पर होती है, किस पर होती है, हाफ लोड पर। ये आपको रिमेंबर रखना होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो देखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस अपने पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास क्या होनी चाहिए, वो हायर होनी चाहिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास होगा हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो बी अपने पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है, पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। ठीक है, अब देखिए पावर फैक्टर जो है कॉस फाई, ये अपने पास क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हो सकता है। कॉस फाई जो डिनोट किया जा सकता है वो रेजिस्टेंस और इंपेडेंस का रेशियो डिनोट से किया जा सकता है, और कॉस फाई को डिनोट किया जा सकता है किलो वाट अपॉन केवीए से भी। ठीक है, क्लियरचेस रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर रेजिस्टेंस एंड इंपेडेंस के, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर। ठीक है, यानी किस मोटर में अपने पास एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज किया जाता है उसे स्टार्ट करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ जो अपने पास स्लिप रिंग मोटर है इसके साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज किया जा सकता है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द फ्यूज करंट आई रिलेटेड टू फ्यूज वायर डायमीटर। देखिए फ्यूज नियम के अकॉर्डिंग आई जो होता है अपने पास वो होता है के डी की पावर 3/2। क्लियरचेस, अब 3/2 है अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है अपने पास ये 1.5 है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ देखिए उच्च परिणामित्र बढ़ता है। ठीक है, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इंक्रीज। ठीक है, तो अपने पास जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है यहाँ अपने पास ये इनपुट होगा और यहाँ अपने पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ इनपुट वोल्टेज कम होगा, तो आउटपुट वोल्टेज अपने पास इंक्रीज होता है, तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ए सिंगल फेजिंग ऑफ ए 3-phase मोटर ऑकर अंडर द रनिंग कंडीशन। ठीक है, विल स्टॉप इमिडिएटली, विल कीप रनिंग द थ्रू द विद द स्लाइटली इंक्रीज द स्लिप, मे आइदर स्टॉप और कीप रनिंग। ठीक है, विल बिकम नॉइजी विल स्टिल रनिंग। ठीक है, तो देखिए सिंगल फेजिंग क्या होता है, अपने पास जो 3-phase इंडक्शन मोटर है उसका एक फेज जो है अपने पास वो रिमूव हो जाता है, और फिर अपने पास वो मोटर क्या हो जाती है, अपने पास लैस जो वॉइस के साथ चलती रहती है, जो राइट आंसर होगा अपने पास डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, तुल्यकालिक मोटर केंद्र अभिग्रह रेखा के लिए उत्तरदायी है। सिंक्रोनस मोटर इज इंस्टॉल रिसीविंग एंड सब स्टेशन। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है वो पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, पावर फैक्टर सुधार के लिए आवश्यक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। फ्यूजिंग फैक्टर, तो देखिएगा फ्यूजिंग फैक्टर जो अपने पास वो क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड फ्यूज करंट। ठीक है, क्लियरचेस, तो यहाँ देखिएगा मिनिमम फ्यूज करंट रेटेड करंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा अपने पास वही अपने पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास के देखिएगा जनरली मैंने आपको बता दिया था कि जनरल जो सामान्य फ्यूज है उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू 1.4 से 1.7 के बीच में होती है, एचआरसी फ्यूज के लिए अपने पास 1.1 होती है। ठीक है, क्लियरचेस, तो देखिएगा यहाँ कुछ जो अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो एचआरसी का पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है जनरल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम कल के सेक्शन में। ओके, थैंक यू।